राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। मेरे दद्दू, मैं तो आपको नहीं जानता, मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। पर छल छाया तो आसमान में कहीं छू हो गया है भीम, उससे अस्त्र तो वापस तब लेंगे ना जब पता हो कि आखिर वो गया कहाँ। इतने लंबे सफर में आपके अनमोल आविष्कारों के लिए आपको एक हट्टे कट्टे अंगरक्षक की जरूरत है, जैसे कि मैं कालिया। इतना समय हो गया, कालिया उस्ताद को दिख ही नहीं रहे, बस हवा में घूरे जा रहे हैं। लगता है वो कुछ लिख ही नहीं पा रहे। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है कि किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप खींचे चले आएंगे। हाँ, पर जब मैं बच्चों के मुंह पर मेरा बनाया खाना खाकर खुशी देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और अच्छा खाना बनाऊँ। मुझे पता है इनका इलाज, हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो, छाती पर ध्यान लगाकर। मेरी प्यारी इंदु पहली बार विदेश यात्रा पर जा रही है, सिंघापुरा के राजा दियान को राजा इंद्र वर्मा का सलाम कहना, और ये सुंदर गले का हार उनकी प्यारी बेटी राजकुमारी आयु के लिए एक छोटा सा तोहफा। तरह तरह के पकवान भी खाने को मिलेंगे, और इन बर्फीली चोटियों में ना जाने और कितने रोमांचक रहस्य छिपे हों।